एक साधु के श्राप से कैसे एक एक करके हुई इस अभिनेता और उसके परिवार वालों की मौत। बॉलीवुड का एक ऐसा सशक्त अभिनेता जिसने अपनी एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड को लोहा मनवाया। क्यों उनके पिता ने एक नहीं तीन तीन शादियां की थीं? क्या वजह थी कि इन्हें शानदार बंगले से निकालकर एक चौल में रहना पड़ा? बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार से इस अभिनेता की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने इसे थप्पड़ जड़ दिया? क्यों अपने प्यार से अलग होना पड़ा और शराब का सहारा लेना पड़ा? परिवार पर ऐसा कौन सा श्राप था कि परिवार का कोई भी मर्द 50 साल से ज्यादा की उम्र पूरी नहीं कर पाया? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहद ही सशक्त और वर्सेटाइल एक्टर संजीव कुमार के बारे में। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हर तरह का किरदार निभाया और अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 19 साल की उम्र में एक 60 साल के बूढ़े की भूमिका निभाई थी और चुनौतियों पर यकीन करते थे, इसीलिए हर कैरेक्टर को घोल कर पी जाते थे। पर्दे पर बहुत ही शांत दिखने वाले संजीव की जिंदगी में हमेशा तूफान खड़ा रहा। उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। इनके पिता श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हरिहर रखा। हरिहर अपने पिता की तीसरी शादी से पैदा हुई संतान थे। उनके पिता की पहले दो पत्नियां इस दुनिया से जा चुकी थीं। संजीव के पिता का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वह मुंबई शिफ्ट हो गए थे, लेकिन 1949 में 47 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। पार्टनर ने सब कुछ हड़प लिया और उनके बीवी बच्चों को शानदार कोठी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उनकी मां ने एक चौल में रहना शुरू किया और चार बच्चों का पेट पालने के लिए जरी का काम शुरू कर दिया। संजीव कपूर ने जब फिल्म बैजू बावरा देखी तो वह फिल्म के दीवाने हो गए और उनके मन में भी एक्टर बनने का ख्वाब जाग उठा। 3 साल तक मेहनत करने के बाद भी जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचा। उसे समय शशिधर मुखर्जी फिल्माया स्टूडियो में एक्टिंग स्कूल चलाते थे। हरिहर वहां गए और उसमें एडमिशन के लिए टेस्ट दे दिया। पहले ही टेस्ट में पास भी हो गए, लेकिन जब स्कूल की फीस देने की बात आई तो उनके होश उड़ गए। ये सबसे सस्ता एक्टिंग स्कूल था, लेकिन इस स्कूल की फीस भी उनके लिए देना बहुत मुश्किल था। हरि बहुत ज्यादा हताश हो गए। जब माँ ने वजह पूछी तो उन्हें सारी सच्चाई बताई। माँ ने अपने गहने गिरवी रखने की बात कही और कहा कि जब बड़े एक्टर बन जाओ तो यह वापस छुड़ा लेना। हरिहर ने फिर फिल्म स्टूडियो की फीस भरी और वहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने इफ्टा ज्वाइन कर लिया। इफ्टा में जब हरिहर शो करते थे, वहां पर कपड़े भेजने का काम भारत लाल नामक आदमी करता था और उनके सहकर्मी जमुना दास हरिहर से बहुत प्रभावित थे। हरिहर को जमुना दास ने कहा कि मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूं, आप मुझे कुछ मत देना, जब आप बड़े एक्टर बन जाएंगे तब मुझे फीस देना। जब संजीव कुमार बड़े एक्टर बन गए तो वह पहले ऐसा कलाकार थे जिनके पास पहले से ही सेक्रेटरी मौजूद था। बहुत संघर्ष के बाद उन्हें एक फिल्म मिली, हम हिंदुस्तानी, लेकिन उनको इस फिल्म में बोलने के लिए एक भी डायलॉग नहीं दिया गया। फिल्म रिलीज होने के पहले ही दोस्तों ने कहा कि नाम बदल लेना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ शांता के एस से अपना नाम संजीव कुमार कर लिया। संजीव ने हर एक कोशिश कर ली थी, लेकिन अभी भी उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में ही काम मिल रहा था, जैसे नोनिहाल, पति पत्नी, स्मगलर, अलीबाबा, 40 चोर और अनोखी रात। लेकिन यह सारी फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पाई। मन ही मन वह हार मानने लगे थे और साबुन का छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि संजीव कुमार का सिलेक्शन सरस्वती चंद्र फिल्म के लिए भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया जिससे वह काफी निराश हुए। लेकिन फिर साल आया 1968, जहां एक फिल्म के लिए दिलीप कुमार के अपोजिट एक दमदार एक्टर की तलाश थी। सभी एक्टर्स ने दिलीप कुमार के अपोजिट काम करने से मना कर दिया था और संजीव कुमार ने इस मौके का फायदा उठाया और इस रोल के लिए हाँ कर दिया। सेक्रेटरी जमुना दास ने डायरेक्टर एस एच रवल के पास फोटोज भिजवाए। फोटोज देखकर डायरेक्टर ने तुरंत संजीव कुमार को बुलाने के लिए कहा। 1968 में आई फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना सिक्का जमाया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। दिलीप साहब ने भी उनकी तारीफ करते हुए डायरेक्टर से कहा कि ऐसे एक्टर कहां से ढूंढ कर लाते हो। 1972 में उनकी एक और फिल्म आई जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। फिल्म थी खिलौना। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और फिल्म के आते ही संजीव कुमार सुपरस्टार बन गए। फिल्म इतनी कामयाब हुई कि 6 फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गए संजीव कुमार
और एक्ट्रेस का अवार्ड मुमताज को मिला। संजीव कुमार के पास अब फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्होंने यही है जिंदगी, अनामिका, अर्जुन पंडित, देवता, नया दिन नई रात, शोले, गुड्डी, त्रिशूल, पति पत्नी और वो सिलसिले, अंगूर, जानी दुश्मन, कोशिश जैसी न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बेजोड़ एक्टिंग की। संजीव कुमार और नूतन ने 1968 में आई फिल्म गौरी में एक काम किया था। यहाँ दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और अगले ही साल फिल्म देवी में फिर एक साथ नजर आए। लेकिन नूतन उस समय ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर चुकी थी और उनका एक बच्चा मोहनीश भी था। दोनों की अफेयर की खबरें उड़ने लगी और नूतन के वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी हो गईं। जब उन्हें पता चला कि यह खबरें संजीव ने खुद उड़ाई है तो उन्होंने भरे सेट पर संजीव को चाटा जा दिया। उसके बाद दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया। गुलजार साहब ने संजीव कुमार को परिचय और कोशिश फिल्म के लिए साइन किया था। दोनों ही फिल्मों में संजीव ने शानदार अभिनय किया था। फिल्म कोशिश के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे लेकिन संजीव अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाते थे। इस समय अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अंजू की माँ संजीव कुमार को राखी बांधती थी और अंजू उन्हें मामा मानती थी। लेकिन राजेश खन्ना बेहद शक की मिजाज के थे और अंजू संजीव पर हमेशा शक किया करते थे। इधर अंजू और राजेश में कुछ अनबन हुई और राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली, लेकिन अभी भी उनका झुकाव अंजू की तरफ था। संजीव कुमार यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना अंजू से कोई भी रिश्ता रखे। उस वक्त यह दोनों फिल्म आपकी पसंद में साथ काम कर रहे थे। एक सीन में राजेश को संजीव को एक थप्पड़ मारना, राजेश ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि संजीव कुमार हिल गए। लेकिन संजीव ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे प्रोड्यूसर का नुकसान हो। हालांकि वह समझ गए थे कि यह थप्पड़ पर्सनल था। फिल्म सीता और गीता के सेट पर हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए उन्हें हेमा मालिनी से मोहब्बत हो गई थी। दोनों करीब आ गए और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन संजीव चाहते थे हेमा मालिनी शादी के बाद काम छोड़ दें। यह बात हेमा की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर इसी बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट गया। संजीव कुमार तो हेमा मालिनी के प्यार में पागल थे लेकिन एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित संजीव के प्यार में पागल थी। फिल्म उलझन में दोनों ने एक साथ काम किया था और यही से सुलक्षणा संजीव को पसंद करने लगी थी। लेकिन यह प्यार एकतरफा था और संजीव ने उनकी शादी के प्रपोजल को भी स्वीकार नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि सुलक्षणा ने जिंदगी भर शादी नहीं की। हेमा मालिनी से रिश्ता टूटने के बाद संजीव शराब और सिगरेट के आदि हो गए। संजीव ने खुलकर कह दिया था कि वह अब कभी भी शादी नहीं करेंगे। लोगों ने यह भी अफवाह थी कि संजीव कुमार के परिवार को किसी साधु ने श्राप दिया है और उनके परिवार का कोई भी मर्द 50 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उनके पूरे खानदान को दिल की बीमारी थी। संजीव को भी इसी बीमारी ने घेर रखा था, इसलिए उनके परिवार का कोई भी आदमी 50 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। लेकिन संजीव को शराब और सिगरेट की बुरी लत लग चुकी थी और इसी के चलते 1975 में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया, लेकिन उसके बाद भी उनकी पूरी आदतें छूटी नहीं। 1976 में एक बार उनकी तबीयत फिर खराब हुई, लेकिन उन्होंने लगातार फिल्म में काम किया और दारू सिगरेट को भी अपना साथी बना रखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी मौत का पहले ही आभास हो गया था। एक बार एक पत्रकार ने जब पूछा कि वह फिल्मों में अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के किरदार क्यों निभाते हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए पर्दे पर ही इसका अनुभव ले लेता हूँ। अपने परिवार के दूसरे मर्दों की तरह शायद संजीव को भी आभास था कि वह भी 50 से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। और एक दिन खबर आई कि संजीव कुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजीव कुमार की माताजी शांताबेन और संजीव कुमार दोनों का निधन 6 नवंबर को हुआ था। सिर्फ 47 साल की उम्र में एक्टिंग के बादशाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया।